गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश पर्व जटाशंकर गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया गया, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि 554वां वर्ष पहले जब देश घोर अंधकार में था, कलयुग का समय था, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे, उस समय गुरु नानक देव का प्रकाश हुआ। गुरु नानक देव ने शिक्षा व समाज के उत्थान के लिए बहुत काम किया और नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया। गुरु नानक देव ने नारा दिया कि काम करो और बांट कर खाओ तथा हिंदू मुस्लिम को एक कहा है। गुरु नानक देव की शिक्षा को लोग अमल में लाएं तो देश की स्थिति कुछ और होती। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, जसपाल सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। आज श्री गुरु नानक देव महाराज जी का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। आज से 554 वर्ष पहले जब देश घोर अंधकार में था, कलयुग का समय था, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे, स्त्री शिक्षा बिल्कुल नहीं हो रही थी, उस समय श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ। श्री गुरु नानक देव जी ने स्त्री शिक्षा पर समाज की दूरियां खत्म करने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने नारी शिक्षा को कहते हुए कहा, नारी को क्यों नीचा कहा जाता है, सो क्यों मंदा आके जित जमे राजान, मतलब जिन्होंने राजाओं को जन्म दिया उस नारी की दशा से बड़ी शोचनीय थी। गुरु नानक देव जी ने उस पर काम किया। गुरु नानक देव जी ने कहा, कीर्त करो मतलब काम करो, बांट छको बांट के खाओ और नाम जपो, ये उनके तीन मुख्य सिद्धांत थे। इन्हीं सिद्धांतों पर काम करते रहे और उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत काम किया है। डायमेंस खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम बराबर कहा है। उन्होंने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। तो इस तरह हम देखते हैं कि नानक जी की शिक्षाएं आज के इस समीचीन युग में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को फैला नहीं सके। अगर गुरु नानक देव जी को शिक्षाओं को फैला दिया गया होता तो आज देश में जो स्थिति है वो इससे अच्छी होती, उतनी खराब नहीं होती। धन्यवाद। आज सुबह गुरुद्वारा दर्शन सेंटर में उनका प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से कार्यक्रम चल रहे हैं, कल से लंगर स्टार्ट है, आज रात तक लंगर चलता रहेगा। धन्यवाद।